दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पबजी मोबाइल और पबजी लाइट जो है फाइनली इंडिया में बैन हो चुका है। लेकिन अभी शायद आप लोग के लिए खुशखबरी आने वाला है क्योंकि अभी कुछ ऐसे लीक्स और कुछ ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि पबजी मोबाइल वापस से अनबैन हो जाएगा इंडिया में। क्या है इसके पीछे की पूरी स्टोरी, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो एक कोरियन कंपनी का गेम है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पबजी जो है चाइनीज गेम है, आइए इस मिसकंसेप्शन को हम दूर करते हैं। पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो है एक कोरियन कंपनी का गेम और एक टेंसेंट जो है जो पब्लिशर है वो है एक चाइनीज कंपनी। आपने गेम को जब स्टार्ट किया आपको पबजी मोबाइल को या फिर पबजी मोबाइल लाइट को अपने मोबाइल फ़ोन में, तो वहाँ पे आपको टेंसेंट लिखा दिखता है। तो जो टेंसेंट है वो एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है, और ये एक पब्लिशर है। अब ये पब्लिशर और ये जो है कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है, आइए इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहीं पर एक ज़मीन ख़रीदा और मुझे घर बनाना है, तो मैंने ज़मीन तो खरीद लिया, लैंडलॉर्ड तो मैं हो गया। अब मुझे घर बनाना है तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ूंगा और उसको पैसे दूंगा और वो क्या करेगा, घर का डिज़ाइन बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा कि घर का डिज़ाइन कैसा होगा और वो सारा काम करेगा, ठीक है। तो उसी तरह होता है, गेम डेवलपर एक गेम को डेवलप करता है और पब्लिशर जो है मार्केटिंग करता है कि उसको कैसे जो मार्केट में लाना है उस गेम में क्या क्या और भी मार्केटिंग के हिसाब से क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो यही सेम फंडा है दोनों में। कॉर्पोरेशन है डेवलपर, उसने डेवलप किया गेम को, और जो टेंसेंट है वो पब्लिशर है, वो जो मोबाइल तक जो ला के आपके पब्लिश करता है। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो है अभी हालात काफ़ी बदतर है, जिसके लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था, ठीक है। लेकिन अभी पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि हमारा जो पार्टनरशिप है टेंसेंट के साथ, हम उसको रिमूव कर देंगे और वापस से उसकी जगह पे किसी और कंपनी को लाके हम वापस से इंडिया में रिलॉन्च करेंगे पबजी को। तो देखते हैं ऐसा क्या होता है। और इसमें जो कंपनी का नाम सामने आ रहा है जो पब्लिशर कंपनी का, वो है गेमलॉफ्ट। गेमलॉफ्ट भी एक अच्छी कंपनी है जो काफ़ी सारे उसके मार्केट में गेम्स है। तो देखते हैं कि क्या पबजी कॉर्पोरेशन गेमलॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करता है, क्या कॉलैब करता है। अगर होता है तो कब तक ये जो है इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि गेमलॉफ्ट के साथ ही होगा, लेकिन ऐसे कुछ रूमर्स निकल कर आ रहे हैं जिसमें सुनने में आ रहा है कि गेमलॉफ्ट के साथ जो है पबजी कॉर्पोरेशन कोलैब करेगा। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो दोस्तों तय है कि इंडिया में पबजी मोबाइल जो है वापस से अनबैन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दूसरी कंपनी उसके साथ कोलैब करती है तो उसको गवर्नमेंट को उसको अनबैन करना होगा और उसको वो फिर वापस से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो बस दोस्तों यही था एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आप सभी तक पहुंचाना था। दोस्तों अगर ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।